हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने स्टार्टिंग में 300 सब्सक्राइबर्स कैसे लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग में 300 सब्सक्राइबर्स कैसे लिए हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। बने रहे वीडियो में एंड तक और मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आप ठान लेते हैं कि हम मुझे अपना चैनल लॉन्च करना है, और जब आप चैनल क्रिएट करते हैं, जब क्रिएट करने के बाद पहली वीडियो डालते हैं, तो आप सोचते हैं कि बस इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं, तो आप उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं ताकि आप सोचते हैं कि व्यूज़ अच्छे आ जाएं। लेकिन जब आप कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि व्यूज़ जब ही अच्छे लगते हैं, अगर उन वीडियो कोई इंटरेस्टिंग बंदा देखे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने स्टार्टिंग के 300 सब्सक्राइबर्स कैसे किए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैं दिल्ली में था, वैसे दिल्ली में तो अभी भी रहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ। जब मैं दिल्ली में था, तो मेरा एक फ्रेंड था अनस, वो नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा था। वो क्योंकि हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट्स सेल करता था, तो उसने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बंदा होता है ना, तो वो दूसरे को भी अपनी साथ जोड़ने की कोशिश करता है। आपने देखा भी होगा, आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा होगा तो आपको जोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, तो वो भी चाह रहा था कि मैं उसके साथ ज्वाइन करूँ उसकी हर्बल लाइफ। लेकिन मैंने उसका पूरा प्लान समझ लिया था, उसने काफ़ी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उसका प्लान, काफ़ी प्रोडक्ट्स भी थे उसके, वो भी मैंने यूज़ करे हैं, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी बाय कर सकता हूँ। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स था, उनका जो मेंबरशिप का था, वो 5,000 रुपीज़ का था, लेकिन उनकी जो मेंबरशिप थी मैं नहीं ले पाया। तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपके व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट कितने हैं। तो जब मैंने अपने व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट चेक किए, तो 700 से 800 थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनमें से वो कॉन्टैक्ट निकालो जो आपकी बात मान सकें। तो मैंने तकरीबन 50 ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले जो मेरी बात मान सकते थे, मतलब उसमें से 10 तो ऐसे थे जो कभी मना ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इनमें से अब कॉल करो एक एक को, और इनसे एक बंदे से 500 रुपये मांगो। तो ये मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि 10 लोगों से मैं 500 रुपये मांगता तो 5,000 रुपये तो ऐसे ही हो जाते। ये मुझसे नहीं हुआ, तो मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन नहीं किया। मैंने मतलब उस बंदे से कॉन्टैक्ट में रखा, वो बार बार मुझे कॉल करता रहा, हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे होते ही ऐसे हैं, वो मतलब बार बार कॉल करते रहते हैं, क्या हुआ, प्लान ज्वाइन नहीं किया, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने वो प्लान नहीं लिया। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स में अपनाई है। इसी तरह से मैंने 50 कॉन्टैक्ट निकाले, और 50 कॉन्टैक्ट वो निकाले जो मेरी बात मान सकते थे, मेरी बात को मना नहीं कर सकते। तो जब मैंने अपना WhatsApp कॉन्टैक्ट चेक किया, तो उसमें तकरीबन 1600 कॉन्टैक्ट्स थे। तो मैंने वहां से सेलेक्टेड 50 लोगों को मैंने वहां से सेलेक्ट किया, उनकी एक प्रॉपर लिखा मैंने, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देते। तो मैंने 50 लोगों को 5 जगह डिवाइड कर दिया था, 10-10 जगह, और सब पे मैंने कॉल किया। जब मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी, तो ये मैंने 3 दिन तक ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। तो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने वहाँ से 50 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो उनको 50 लोगों को मैंने 5 जगह पर डिवाइड कर लिया। तो 50 लोगों को मैंने 5 जगह डिवाइड किया, 10-10-10-10-10-5 जगह, तो 50 लोग हो गए। तो मैंने एक एक को कॉल करना शुरू किया, और जब मैंने उनको 50 लोगों को 5 जगह डिवाइड किया, तो 5 लेयर बन चुकी थी। और उसमें से मैंने जब एक एक को कॉल करना शुरू किया, और मैंने उनको बोला कि मेरी वीडियो पब्लिक हो चुकी है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ एक बंदे को जरूर शेयर कर देना जो आपकी बात मानता हो। तो जब मैंने उनको बोला कि भाई आप तो सब्सक्राइब करोगे, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया था, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था, वैसे तो मुझे यकीन था उन पे। फिर मैंने उनको ये बोला था कि आप एक बंदे को और भेज देना। इस तरह से जैसा उन 50 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो जब उन्होंने मतलब दूसरी जगह उनको शेयर किया, तो इसी तरह मेरे 3 दिन में मेरे को 300 सब्सक्राइबर मिल चुके थे। तो मैं दोस्तों आपसे भी निवेदन करूंगा, और आपसे भी आशा करूंगा, अगर जो आप इस YouTube पे स्टार्टअप कर रहे हो, तो प्लीज़ इस तरह से करके अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हो। वैसे उन सब्सक्राइबर्स का मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज हमारी वीडियो का जो कॉन्टेंट है वो टैक्स से रिलेटेड है, और सामने वाला बंदा क्या पता टैग को ना पसंद करता हो। तो सब्सक्राइबर मिल तो जाएंगे, लेकिन आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, और व्यूज़ आएंगे तो आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अपने वीडियो को शेयर भी मत किया करो। स्टार्टिंग में जब क्रिएट करते हैं चैनल, तो सोचते हैं आज 400 व्यूज, कल को 500 व्यूज, आप शेयर कर करके 1000 व्यूज तक ले लेते हैं। लेकिन जब आप ऑडियंस रिटेंशन देखते हैं, तो बहुत कम होता है। जब ऑडियंस रिटेंशन
कंजम्पशन कम होगा तो इंप्रेशन भी कम जाएगा और क्लिक भी नहीं करेंगे लोग। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी वीडियो का लिंक मत शेयर करो, अपने चैनल का लिंक शेयर करो सामने वाले को, ताकि जो वीडियो उसमें पसंद आएगी वो उसको देख लेगा। अगर जो आप ऐसे लिंक शेयर कर दोगे वो जाएगा और एक इंप्रेशन आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा आपकी वीडियो को देख करके। तो इस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग में बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका मैंने डिसएडवांटेज भी बता दिया कि क्या है उसका डिसएडवांटेज। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको ज़्यादा बेस्ट लगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।